हेलो स्टूडेंट गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा वेयर वर कहाँ थे हम लोग आप काफी दिन के बाद क्लास आया ना आज तो कांस्टेंट हो गया था रिडवर्क कांस्टेंट पे हमने किया था काम, ओके हां हां स्पेक्ट्रम कर रहे थे कांस्टेंट, सबसे पहले हमने किया था यहां पॉइंट छोड़ा था हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑफ लाइन इन एटोमिक स्पेक्ट्रा और इसमें हमने किया था या तो आर स्कॉन माइनस वन अपॉन हायर का स्केयर एक जनरल फार्मूला हम लोगों ने किया था बेटा तो इसमें क्या था कि एटम में इलेक्ट्रॉन अगर जंप करते हैं लोअर से हायर में या हायर से लोअर में तो हायर से लोअर में कुछ लाइंस इमिशन होती हैं लाइन जो इमिशन होती हैं उसको हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं तो सपोज हम हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा करते हैं सपोज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं डिफरेंट टाइप के तो इस लाइन स्पेक्ट्रा में बेटा हमारे पास सीरीज मिलेंगी जिसमें ट्रांजिशन होगा भाई कहां से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांजिशन करेगा उस ट्रांजिशन से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम एक सीरीज बोलेंगे और उस सीरीज का एक रीजन होगा सपोज कहीं से भी यह नंबर लिख लेते नंबर वन ट्रांजिशन अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करता है सपोज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल तो एन लोअर इज इक्वल टू वन एन हायर इज इक्वल टू वन को छोड़ के टू थ्री फोर इंफिनिटी कुछ भी होता है जब भी ऐसा ट्रांजिशन होगा जो हमें सीरीज मिलेगी उसका लेमडा बेटा हमारा अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है लाइमन सीरीज में मिलेगा तो ये सीरीज जो होगी इसका नाम कहेंगे हम लाइमन सीरीज और लाइमन सीरीज जो होगी वो हमारी विजिबल रीजन से उसका वेवलेंथ कम होगा तो ये हमें यूवी रीजन में मिलेगा यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा इसका कहने का मतलब कि हमारे पास सपोज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये सपोज बेटा न्यूक्लियस है ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है फिर सपोज हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल है फिर सपोज हमारे पास थर्ड एनर्जी लेवल है फिर हमारे पास सपोज फोर्थ एनर्जी लेवल है और ऐसे करते करते हमारे पास सपोज फिफ्थ एनर्जी लेवल है और इस टाइप से हमारे पास इंफिनाइट एनर्जी लेवल है अब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके बेटा फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है लोअर एनर्जी लेवल अगर फर्स्ट होता है कहीं से भी सेकंड से जंप करता है थर्ड से सपोज सेकंड से फर्स्ट में जंप करता है थर्ड से फर्स्ट में जंप करता है फोर्थ से फर्स्ट में जंप करता है एनर्जी लेवल से फिफ्थ से फर्स्ट में जंप करता है इंफिनिटी से फर्स्ट में जंप करता है जब भी फर्स्ट में आएगा लोअर एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा कहां से सेकंड से थर्ड से फोर्थ से इंफिनिटी से देन हम बोलेंगे जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा हमको दैट स्पेक्ट्रल लाइन इज नोन एज लाइमन सीरीज ये हमारे पास जो होगी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमन सीरीज होगी और इसका रीजन जो होगा लास्ट ईयर आया भी है क्वेश्चन वो इसका रीजन जो रहेगा वो यूवी रीजन रहेगा मतलब 4000 से कम एंगस्ट्रोम पर वेवलेंथ मिलेगी और इसमें भी आपको बेटा यू जो है यू आर सपोज टू सी कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैं सपोज बोलूं कि भाई लाइमन सीरीज लाइमन सीरीज की अगर फर्स्ट लाइन मिलेगी तो हायर एनर्जी लेवल सेकंड से फर्स्ट में जंप करोगे तो फर्स्ट लाइन मिलेगी आपको फर्स्ट लाइन या इसको आप फर्स्ट लाइन है तो एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा लाइमन सीरीज में तो लेमडा मिनिमम बोलोगे आप इसको एनर्जी लेमडा मैक्सिमम बेटा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है मैक्सिमम या इसको अल्फा लाइन बोलोगे तो सपोज मैं अगर आपको एज एग्जांपल कभी भी मैं आपको ऐसे बोलता हूं एज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मैंने बेटा ऐसा बोल दिया आपको फर्स्ट लाइन की बजाय मैंने ये बोल दिया अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या मैंने बेटा आपको यह बोल दिया कि अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या मैंने बोल दिया लेमडा मैक्सिमम ऑफ लाइमन सीरीज लेकिन यह सारी किस्में होनी चाहिए ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिए तो फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज का मतलब लाइमन जहां भी देखो अगर जहां भी आपने बेटा फोर लाइमन सीरीज देख लिया तो इसका मतलब लोअर एनर्जी लेवल फिक्स हो गया बेटा आपका फर्स्ट और हायर एनर्जी लेवल जस्ट इसके बाद वाला बहुत सारे हो सकते हैं ना सेकेंड थर्ड फोर्थ इंफिनिटी तक हो सकते हैं कोई भी लेकिन जब सेकेंड से फर्स्ट में आएगा तभी आपकी फर्स्ट लाइन बनेगी तो ये एनर्जी डिफरेंस अब ये सारे हटा दू तो जब भी आप लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन देखोगे आप जिसके लिए भी देखना चाहते हो इफ यू वांट टू सी द हाइड्रोजन एटम और फॉर देन लाइमन सीरीज में लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट आ जाएगा और हायर एनर्जी लेवल सेकेंड आ जाएगा क्योंकि ये जो होगा बिल्कुल पास में होगा एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो यहां से यहां आने पर जो लेमडा मिलेगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा जैसे मैं ऐसे लिखूंगा आपको कैलकुलेट द कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मैं लिख दू आपको फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम सपोज बेटा हमें ये कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज देखना है और हाइड्रोजन एटम में देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन कि यहां पर फोर हाइड्रोजन एटम अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो बेटा जेड की वैल्यू वन आ एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखो लाइमन सीरीज है लाइमन सीरीज जब भी जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट होगा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट पे आएगा तो लाइमन सीरीज है अब हमारे पास है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तो लोअर एनर्जी लेवल तो फर्स्ट हो गया हायर देखना पड़ेगा तो हायर क्या हो सकता है सेकेंड थर्ड फोर्थ इंफिनिटी फर्स्ट लाइन देखना है तो सेकेंड से फर्स्ट में जाएगा ये फर्स्ट लाइन है तो हायर एनर्जी लेवल भी फिक्स हो गया लोअर भी फिक्स हो गया अब हम क्या कर सकते हैं वेवलेंथ निकाल सकते हैं देन वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्केयर वन अपॉन लोअर एनर्जी का स्केयर अपॉन हायर एनर्जी का स्केयर तो बेटा सॉर्ट आउट कर लोगे आप

तो कितना आएगा आर का आर आ गया वन अपॉन वन टू का स्केयर आ गया फोर तो वन अपोन लेमडा इज इकल टू आर फोर लेकर के फोर में से वन चला गया तो इंटू थ्री बाई फोर तो लेमडा इज इकल टू सो आपको लेमडा निकालना है तो लेमडा इजिकल टू फोर बाई थ्री आर आ जाएगा आर की वैल्यू पता होगी तो वैल्यू पुट कर देंगे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो जब भी आपको तो अगेन आई एम आस्किंग कि अगर आपके पास कभी भी सीरीज बनती है जब भी मैंने बोला कि आपके पास कभी भी एक मतलब आपका नंबर नंबर वन नंबर सेकंड इज द ट्रांजिशन कहां से ट्रांजिशन करेगा नंबर थ्री इज द सीरीज हम किसके लिए पढ़ रहे हैं ये फोर हाइड्रोजन एटम और नेक्स्ट आएगा रीजन नंबर वन ट्रांजिशन जब भी लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट और हायर एनर्जी लेवल फर्स्ट से ऊपर वाला सेकेंड थर्ड फोर्थ इंफिनिटी तक तब भी आपकी जब भी सीरीज आएगी बेटा वो लाइमन सीरीज आएगी और ऐसा रीजन जो रहेगा अल्ट्रावायलेट रीजन या मतलब यूवी रीजन रहेगा इसमें सेकेंड से फर्स्ट से में आप बोलोगे दैट इज द फर्स्ट लाइन या एल्फा लाइन थर्ड से फर्स्ट आएगा तो आप बोलोगे सेकेंड लाइन या बीटा लाइन और फोर्थ से आप बोलोगे ऐसे एल्फा बीटा गा चलता रहेगा और इन्फिनिटी से बोलोगे तो ये आपकी लास्ट लाइन होगी ऑफ लाइमन सीरीज सिमिलरली अगर आपके पास जैसे ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये हमारे पास सेकेंड एनर्जी लेवल है बेटा फिर हमारे पास थर्ड एनर्जी लेवल है यह हमारे पास फोर्थ एनर्जी लेवल है यह हमारे पास फिफ्थ एनर्जी लेवल है एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाएगा और सपोज यहां एटम खत्म हो गया सपोज इंफिनिटी है अगर हमें लाइमन सीरीज चाहिए तो कहां से इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर सकता है देखो सेकेंड से फर्स्ट में थर्ड से फर्स्ट में फोर्थ से फर्स्ट में फिफ्थ से फर्स्ट में और इन्फिनिटी से फर्स्ट में जहां भी जंप करेगा तो ये सारी सीरीज जो मिलेगी दैट इज द लाइमन सीरीज इसमें ये आपकी फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की ये सेकंड लाइन ये थर्ड लाइन ये फोर्थ लाइन ये इन्फिनिटी लाइन या ये अल्फा लाइन ये बीटा लाइन ये गामा लाइन ये डेल्टा लाइन और ये लास्ट लाइन लास्ट लाइन को आप टर्मिनल लाइन भी बोल सकते हो ऐसे ही बेटा अगर सपोज आपके पास सेकेंड नंबर अगर ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी लेवल है सेकेंड तो हायर एनर्जी लेवल सेकेंड से ऊपर वाला होगा तो ऊपर वाला आपका क्या हो सकता है थर्ड फोर्थ से लेके इंफिनिटी तक ये जो सीरीज होगी इसको बोलेंगे बामर सीरीज जब हाइड्रोजन एटम में किसी भी ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो आपकी बामर सीरीज होगी और ये विजिबल रीजन होगा आपका हमेशा मतलब ये इसका कलर जो होगा जो आपकी आईज देख सकती है वो वाला कलर होगा और ये फर्स्ट जो अपियर हुई थी फर्स्ट अपियर लाइन थी मतलब तो पहली बार जब प्रैक्टिकल हुआ था तो यही लाइन दिखी गई थी ऊपर वाली तो देख नहीं सकती थी नेग तो यही वाली लाइन आपको दिखाई दी थी देखो तो बामर सीरीज में इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में कहां से कहां जंप हो सकता है यू कैन सी एयर सपोज कहीं से भी जंप करके अगर सेकेंड पर अप्रोच करता है सेकेंड में कहाकेंड से 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 फिफ्थ से सेकेंड इंफिनिटी से सेकेंड से से तो ये जितनी लाइन मिलेंगी ये सारी आपकी जो सीरीज मिलेगी बेटा ये बामर सीरीज होगी बामर सीरीज का मतलब ये सारी की सारी आपको विजिबल रेंज में मिलेगी विजिबल रीजन में मिलेगी ये सारी लाइन लास्ट लाइन ये बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन ये सेकेंड ये थर्ड ये इंफिनिटी या इसको अल्फा, इसको बीटा इसको गामा इसको लास्ट बोलोगे या टर्मिनल लाइन बोलोगे बट दीज आर द टर्मिनल लाइन ऑफ द बामर सीरीज सिमिलरली अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड एनर्जी लेवल पर आता है बेटा थर्ड थर्ड वाला पॉइंट तो लोअर एनर्जी लेवल अगर थर्ड हो तो हायर एनर्जी लेवल थर्ड से ऊपर वाला होगा मोर देन थ्री होगा तब जो सीरीज होगी वो आपकी पाशन सीरीज होगी दैट सीरीज इज नोन एज पाशन सीरीज और ये इसी टाइप से फोर्थ होगा तो उसका लोअर एनर्जी लेवल फोर होगा और हायर एनर्जी लेवल ग्रेटर देन फोर होगा मतलब फाइव सिक्स सेवन इन्फिनिटी और ये जो सीरीज होगी वो ब्रैकेट सीरीज होगी इसी टाइप से अगर लोअर एनर्जी लेवल फिफ्थ है आपका तो हायर एनर्जी लेवल ग्रेटर देन फाइव होगा ये जो भी सीरीज आएगी वो आएगी पी फंड सीरीज इसको पी साइलेंट होगा इसको बोलेंगे फंड सीरीज और ऐसे ही अगर हायर एनर्जी लेवल सिक्स होगा लोअर लोअर सिक्स होगा हायर ग्रेटर देन सिक्स होगा तब जो सीरीज मिलेगी वो आपको हम फ्री सीरीज मिलेगी एच यू एम पी एच आर वाई हम फ्री सीरीज जिसमें से पासन सीरीज बेटा जो आपकी रीजन में वो आई आर रीजन के अंदर है विजिबल अल्ट्रावायलेट विजिबल से कम है ये विजिबल है ये आई आर है इसमें से ये दोनों इसको बोलेंगे पास वाले आई आर फार, फार नियर फाइर नियर आई आर इंफ्रारेड और ये वाले जो दोनों बाकी जो है फार ईआर रीजन आएगा तो आप इसको भी स्पेक्ट्रम में दिखा सकते हो आप बनाना चाहो तो हाइड्रोजन के अंदर सपोज कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड में आ रहा है कहीं से भी थर्ड में आ रहा है तो फोर्थ से थर्ड में फिफ्थ से थर्ड में सिक्स से थर्ड में इन्फिनिटी से थर्ड में तो देन यू कैन से दैट जहां से भी अगर थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो तब आपकी जो सीरीज होगी बेटा वो पाशन सीरीज होगी पाशन अगर कहीं से भी फोर्थ में आ रहा है तो ये आपकी ब्रैकेट सीरीज होगी ध्यान रखना दैट इज द बॉमर सीरीज दैट इज द ब्रैकेट सीरीज और कहीं से भी अगर फिफ्थ में आ रहा है तो ये आपकी फंड सीरीज होगी और इससे ऊपर वाली जो हम फ्री सीरीज होगी और ये जो तीनों सीरीज हैं ये आपकी जो रीजन में मिलेंगी आई आर रीजन के अंदर मिलेंगी और इन 2000 जो मुझे लगता है अभी जो आपका लास्ट जो 19 में क्वेश्चन आया था वो आया था विजिबल रीजन का कि भाई कामर सीरीज हाइड्रोजन एटम में है तो बट ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम नॉट फॉर हीलियम एटम नॉट फॉर लिथियम एटम सिर्फ फॉर हाइड्रोजन एटम जो बामर सीरीज है वो आपका विजिबल रीजन के अंदर मिलेगा सपोज अब कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं अपने देखो नोट मैंने आपको जनरली बताया था विजिबल रेंज लाइज बिटवीन अप्रोक्स फोर हंड्रेड एंगस्ट्रोम टू थर्टी एट हंड्रेड मतलब एट थाउजेंड बोल सकते हो या सेवेंटी एट सेवेंटी एट तक होता है वो विजिबल रीजन होता है सपोज अगर मैं ये कहूं लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन बताया था कैलकुलेट था वेवलेंथ ऑफ Spectral line calculate the wavelength of spectral line if in hydrogen atom if an electron jumps from third to ऑर्बिट तो देखो ये हाइड्रोजन एटम का केस है तो यू नो दैट कि जब आप सॉल्यूशन निकालोगे बेटा तो सॉल्यूशन निकालोगे तो हाइड्रोजन एटम वाला होता है अपॉन स्क्वायर या लोअर एनर्जी का स्क्वायर वन अपॉन हायर एनर्जी का स्क्वायर आर की वैल्यू आप रख सकते हो टेन नाइन सेवन जीरो जीरो सेंटीमीटर इनवर्स में Z की वैल्यू हाइड्रोजन है वन अपॉन को स्क्र वन अपॉन लोअर एनर्जी का स्क्वायर देखो सेकेंड ऑर्बिट टू का स्क्वायर वन अपॉन थ्री का स्क्वायर तो ये अगर आप करोगे टेन नाइन सेवन जीरो जीरो वन अपॉन फोर डिवाइडेड बाई वन अपॉन नाइन तो नाइन में फोर चला गया ये होगा नाइन सेवन जीरो जीरो फाइव बाई नाइन इंटू फोर ये हो गया वन अपॉन लेमडा तो लेमडा की वैल्यू निकाल लो तो बेटा देखो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा उल्टा हो जाएगा नाइन इंटू फोर अपॉन वन जीरो नाइन सेवन जीरो जीरो इंटू फाइव सेंटीमीटर में आ जाएगा ये क्यार की वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो लेमडा इज इक्वल टू एंगस्ट्रोम में करना चाहूं तो नाइन इंटू फोर टेन रेज टू पावर एट सेंटीमीटर लेमडा की वैल्यू अप्रोक्स निकाल लो बेटा तो ये टेन नाइन सेवन जीरो तीन चार पांच जीरो करूँ तो फाइव कैंसिल हो, हो, तो हो गया थर्टी सिक्स फाइव से चला गया फाइव सेवन या थर्टी फाइव अप्रोक्सीमेट सेवन एट में से वन टू थ्री फोर फाइव फाइव जीरो चले गए टेन रेज टू पावर क्या तो रह गया थ्री एप्रोक्सिमेट सेवन थाउजेंड एंगस्ट्रोम सेवन थाउजेंड एंग्रो एट ये विजिबल रेंज आ रहा है And I told you that कि अगर लोअर एनर्जी लेवल सेकेंड हो गया कभी भी इन हाइड्रोजन एटम अगर हाइड्रोजन एटम में लोअर एनर्जी लेवल सेकंड होता है तो ऑलवेज विजिबल रेंज आता है तो ये देख लो बेटा विजिबल रेंज आ गया 7000 बट अगर यही केस में किसी और एटम के लिए ले लूंगा इफ वी टेक्स दिस एग्जांपल एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम टू अनादर एटम सपोज यही केस सिंपल सेम क्वेश्चंस में लिख देता हूं एलियम एटम के लिए सपोज मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा आपका ये न्यूमेरिकल देखा मैंने कह दिया कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम की बजाय हीलियम एटम कर देता हूं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट देन अब सारी चीजें बदल जाएंगी बेटा देखो कैसे <coughs> मैं आपको बोलता हूं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एच ई पॉजिटिव आयन इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट कर रहे हो बट आप हीलियम आयन के अंदर कर रहे हो देखो बेटा सोल्यूशन निकालो फॉर हीलियम हीलियम आयन के लिए जेड का वैल्यू टू हो जाएगा आपका वैल्यू क्या आएगा वन अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्केयर वन अपॉन लोअर का स्केयर माइनस वन अपॉन हायर का स्केयर सोल्व करोगे आर की वैल्यू आर वही। टेन नाइन सेवन जीरो जीरो जेड का स्केयर हीलियम में Z की वैल्यू टू आ गई टू का स्केयर फोर आ गया लोअर एनर्जी लेवल का स्केयर वही सेकेंड ऑर्बिट टू का स्केयर माइनस थ्री का स्केयर तो ये अगर लेमडा करूं तो लेमडा इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू जो आपने ये वाली वैल्यू तो कैलकुलेट करके निकाल रखी है पहले ऊपर सेवन इंटू टेन रिज टू पावर थ्री ये तो वैल्यू निकाल रखा था ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा फोर ये आपका डिवाइडेड बाय फोर या आप कैलकुलेट ही कर लो सबसे बेस्ट है टेन नाइन सेवन इंटू टू का स्क्वायर फोर ये थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन और माइनस फोर फाइव फाइव फोर इंटू नाइन तो ये आपका कितना हो गया थर्टी सिक्स यहां भी चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट ये नाइन इंटू पॉइंट नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स तो फाइव से क्या फाइव सेवन फाइव अप्रोक्सीमेट थर्टी फाइव यही किया था आपने तो यहां देखो अब आप तो अगर ये वाली वैल्यू निकाल ली तो लेमडा की वैल्यू निकालेंगे लेमडा इज इक्वल टू नाइन इंटू फोर और सेंटीमीटर में था इतना सेंटीमीटर तो नाइन इंटू फोर इंटू टेन रिज टू पावर एट एंगस्ट्रोम तो ये वन टू थ्री जीरो फाइव अप्रोक्सीमेट नाइन फोर थर्टी सिक्स सेवन इंटू टेन रिज तो टू पावर चला गया थ्री

एट थाउजेंड के बीच तो ये आपका आ गया अल्ट्रावायलेट तो सेम वही लाइन तो आपने देखा कि सेम वही लाइन कौन सी लाइन फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज तो सेम यू कैन सी हेयर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम

विजिबल से कम बोलता है अल्ट्रावायलेट लाई इन यूवी रीजन तो जो आपने ऊपर वाली सीरीज की है बेटा तैयार वो आपने हाइड्रोजन एटम के लिए तैयार की है स्पेशली ये चीज ध्यान रखनी है तो बामर सीरीज विजिबल रीजन में कौन सी होती है हाइड्रोजन एटम की विजिबल रीजन में होती है लेकिन दूसरे कोई एटम आ जाएंगे इफ एटम ए, ए, आर चेंज देन वी कांट से दैट बामर सीरीज इन विजिबल रीजन तो बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम तो बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन जिबल रीजन दूसरे टाइप के भी प्रॉब्लम आते हैं बेटा इसके अंदर डबल टेकर क्वेश्चन आते हैं मतलब दो इंफॉर्मेशन है सपोज वी सेट इफ वेवलैंथ ऑफ एल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन ऐटम इज एक्स एंगस्ट्रोम। इफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन ऐटम इज एक्स एंगस्ट्रोम, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ या ऐसे कर दो मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ एच ई पॉजिटिव आयन देखो बेटा यहां दो इंफॉर्मेशन है एक हीलियम दे रखा है और एक हाइड्रोजन दे रखा है तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में दो स्पीसी बना लो बेटा आप जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लो एक आपके पास हाइड्रोजन एटम है एक आपके पास हीलियम आयन है हाइड्रोजन एटम की जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लो इसमें जो वेवलेंथ है हाइड्रोजन एटम में वेवलेंथ ऑफ अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज है आपके पास हाइड्रोजन एटम में वेवलेंथ ऑफ वेल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू क्लियर होगी वन बामर सीरीज है तो लोअर एनर्जी लेवल फिक्स हो गया बेटा टू और एल्फा लाइन है तो कैसे करोगे लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल क्या हो सकते हैं बेटा बताओ डू रिप्लाई बेटा काफी देर होगी आपकी आवाज सुने थ्री ओनली ओनली थ्री only या कुछ और भी पॉसिबल हो सकती है लोअर एनर्जी लेवल टू है तो टू से ऊपर वाला कोई भी हो सकता है ना थ्री फोर फाइव इंफिनिटी लेकिन अब देखो कौन सी लाइन चाहिए आपको यू वन टू एल्फा लाइन एल्फा लाइन कहां से कहां जंप होगा इलेक्ट्रॉनों का थ्री से टू में होगा तभी तो एल्फा लाइन बनेगी तो हमारे पास सारी चीज क्लियर होगी बेटा पहले वाले केस के अंदर एल्फा लाइन में सारी चीज क्लियर होगी क्या हो गया जेड का वैल्यू सो so? z का वैल्यू कितना आएगा बेटा वन लोअर एनर्जी लेवल कितना होगा डू रिप्लाई बेटा डू रिप्लाई टू टू हायर एनर्जी लेवल कितना होगा बेटा इस लाइन के लिए थ्री 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 हो गया तो हम लेमडा निकाल सकते हैं फर्स्ट केस में वी वांट टू कैलकुले वी कैन कैलकुलेट द लेमडा क्या फार्मूला होगा रिप्लाई बेटा लेमडा आपकी आवाज सुने बगैर मजा नहीं आता बोलो लेमडा कैसे होगा क्या निकलेगा क्या फार्मूला होगा रिप्लाई करो वन इक्वल टू आर बाई लोअर का स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर तो देखो आपको लेमडा कैलकुलेट करना है कर लो आप आर की वैल्यू मत पुट करना है इस बार आप क्योंकि लेमडा की वैल्यू गिवन है आपको उसने बोल रखा है कि लेमडा जो है एक्स एक्सेंगे तो आप वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर रहने दो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा फर्स्ट केस में हाइड्रोजन है तो वन आ जाएगा वन का स्केयर लोअर एनर्जी लेवल कितना रखना पड़ेगा मुझे देखो आप यू टेल मी टू का स्क्वायर एंड इन द केस ऑफ हायर थ्री का स्क्वायर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वन बाय लेमडा आर 1 by 4, by 1 by 9. 9. again, you can say what is the value of 1 lambda, 1 upon lambda? r is equal to 9 into 4, or 9 minus 4. if you take the lcm, then you know what is the value of 1 by lambda is equal to r into 5 upon 36. 36. so you can say that द वैल्यू ऑफ लेमडा तो आप रिवर्स कर दोगे आंसर बेटा वैल्यू ऑफ लेमडा कितना आ जाएगा देखो आपके पास लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 36 सिक्स बाई फाइव आर इक्वल टू कितना गिवन है आपको एक्स एंगस्ट्रोम लेमडा की वैल्यू एक्स एंगस्ट्रोम गिवन है थ्री थर्टी सिक्स बाई फाइव आर तो आप जो है एक्स का वैल्यू निकाल लो बेटा या आर का वैल्यू निकाल लो सो so, आर इधर ले जाओ आर इज इकल टू थर्टी सिक्स बाईव आर इधर ले जाऊंगा थर्टी सिक्स बाई फाइव तो आर तो कांस्टेंट है ना ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना हमेशा तो पहली इंफॉर्मेशन आपने सोल्व कर ली आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एक्स की टर्म में अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ बेटा अब देखो सेकंड पार्ट में क्या आपके पास डेटा है हीलियम आयन हीलियम आयन में क्या कैलकुलेट करना है देखो देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम तो आपको करना है लेमडा मैक्सिमम ऑफ लाइमन सीरीज न so सी बेटा हिलियम है तो जेड का वैल्यू फिक्स हो गया अगेन यू कैन सी इन द नेक्स्ट केस वैल्यू ऑफ हिलियम जेड वैल्यूड फॉर हीस लाइमन सीरीज है तो लोवर एनर्जी लेवल टू वन लाइमन सीरीजा लाइमन में, में वन होगा तो हायर वन से ऊपर कुछ भी हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है इन्फिनाइट हो सकता है तो अब आप yes. देखो आपको लेमडा मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए मिनिमम लेमडा मैक्सिमम तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कहां से कहां जंप करेगा वो टू टू से यही तो है मिनिमम डिफरेंस होगा तभी तो लेमडा मैक्सिमम आएगा नाउ यू कैन कैलकुलेट विथ द फार्मूला अब देखो आप सपोज आपके पास सारी चीजें आ गई तो वन अपोन लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फार्मूला आर जेड स्क्र वन अपॉन लोअर एनर्जी लेवल का स्क्यर माइनस वन अपॉन हायर का स्केयर तो वन अपोन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा आप टू टू का स्केयर वन अपॉन लोअर एनर्जी लेवल का स्केयर मतलब का अपॉन हायर एनर्जी लेवल का स्केर मतलब लेमडा तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम तो दो से एक में एनर्जी डिफरेंस आएगा तभी लेमडा मैक्सिमम आएगा तो टू का स्केयर देन यू कैन सी बेटा वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू फोर वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन फोर वन बाई लेमडा इजिकल टू फोर आर फोर फोर माइनस वन वन अपॉन लेमडा इजिकल टू कितना हो गया बेटा फोर आर इंटू थ्री बाई फोर तो फोर से फोर कैंसिल हो गया तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा थ्री आर लेमडा का वैल्यू थ्री आर नहीं बेटा वन बाई लेमडा है वो थ्री आर थ्री आर एंड वी नो आर की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो आप पहले ही आर का वैल्यू कैलक्युलेट कर चुके हो पहले बेटा आप क्योंकि आर तो थर्टी सिक्स बाई फाइव एक्स थर्टी सिक्स बाई फाइव एक्स फाइव एक्स आर की वैल्यू पुट कर दूंगा तो इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री आर की वैल्यू पुट करेंगे थर्टी एक्स। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा अपॉन जा जब आपके पास डबल डेकर क्वेश्चन आएगा तो बेटा इस टाइप से आप सोल्व करोगे पहले आर की वैल्यू निकाल लो और दूसरी में आर की वैल्यू पुट कर दो आर का वैल्यू निकाल लो और सेकंड में आर का वैल्यू पुट कर दो सपोज अब आपके लिए बेटा ये क्वेश्चन लिखो आप एफ लेमडा मैक्सिमम ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स एंगस्ट्रोंग दैन कैलकुलेट दैमडा मैक्सिमम ऑफ बामर सीरीज ऑफ एच ई पॉजिटिव आए कैलकुलेट करो बेटा जरा ट्राई करो देखो क्या आता है कैसे कैलकुलेट करोगे

देखो बेटा किया आपने तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन है सॉल्यूशन करोगे तो आप पहला देखो क्या कह रहा है लेमडा मैक्सिमम ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो बेटा जेड की वैल्यू कितनी होगी क्लियर है ड का वैल्यू वन हो गया आपके पास लाइमन सीरीज है तो इससे क्या पता लगता है आपको बेटा बताओ मुझे लाइमन सीरीज से क्या पता लग रहा है लोअर वैल्यू वन है बिल्कुल सही बात है बेटा लोअर वैल्यू वन है अब लेमडा मैक्सिमम है तो वैसे तो हायर वैल्यू वन से ऊपर कुछ भी हो सकती है टू थ्री फोर से इन्फिनाइट लेकिन लेमडा मैक्सिमम है तो एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा मिनिमम लेमडा मैक्सिमम है तो मिनिमम वैल्यू लेनी होती है मिनिमम वैल्यू टू है yes. इसका मतलब ये वाला जो होगा टू से वन वाला जंप हो गया अब टू से वन वाला जंप हो गया तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले। आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इक्वल टू आर जेड स्केयर वन अपॉन लोअर एनर्जी का स्केयर माइनस वन अपॉन हायर एनर्जी का स्केयर वन अपोन लेमडा इक्वल टू आर जेड की वैल्यू हाइड्रोजन है वन का स्केयर लोअर एनर्जी का स्केर वन का स्केयर हायर का टू का स्केयर तो बेटा वन अपोन लेमडा इज इक्वल टू आर इंटू टू फोर माइनस थ्री थ्री बाई फोर भी आ गए सो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई फोर अपॉन थ्री आर और फोर अपॉन थ्री आर इज इक्वल टू दे रखा है एक्स एंगस्ट्रो इसका मतलब आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो गल टू हो जाएगा फोर बाई थ्री एक्स एंगस्ट्रोम पहले आपने आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया सेकंड क्या निकालना चाहता है लेमडा पहले वाला क्या था लेमडा मैक्सिमम था या लेमडा मिनिमम चेक कर लो एक बार लैम्डा मैक्सिमम ऑफ लाइमन सीरीज तो दूसरा हम एक लेमडा मिनिमम कर देते हैं दोनों मैक्सिमम ठीक नहीं है ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं मिनिमम कर लेते हैं मिनिमम तो नेक्स्ट निकालना चाहते हैं हम लेमडा मिनिमम ऑफ बामर सीरीज ऑफ एच पॉजिटिव

कहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है थ्री फोर से लेके इंफिनिटी अब आप क्या निकालना चाहते हो देखो बेटा लेमडा मिनिमम लेमडा मिनिमम ये मिनिमम वर्ड है तो यहां मैक्सिमम सिलेक्ट करो तो मैक्सिमम क्या आएगा बेटा बताओ इसमें इन्फिनिटी तो इसका मतलब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तो यहां से हमें ये पता लग गया लेमडा मिनिमम है जो है वो हायर लेना है और लेमडा मैक्सिमम है तो एन लोअर लेना है तो ये क्लियर हो गया कि एन लोअर इक्वल टू टू बट लेना है बट एन हायर इंफिनाइट इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपॉन लोअर का स्क्वायर वन अपॉन हायर का स्क्वायर वन अपॉन लेमडा आर z है हाइड्रोजन है तो टू तो टू का स्केयर वन अपॉन लोअर का स्केयर मतलब टू का स्केयर हायर मतलब इंफिनिटी का स्केयर किसी को भी बेटा इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो आएगा किसी को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है मैथमेटिक्स ये कहती है और इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो आता है आपका तो वन अपॉन लेमडा इजिकल टू आर फोर वन बाई फोर माइनस जीरो तो ये मेरे पास हो गया वन अपोन लेमडाजिकल टू फोर आर बाई फोर मतलब आर तो लेमडा इजिकल टू आ गया वन बाई आर और वन बाई आर आर की वैल्यू आपके पास है आर की वैल्यू आ जाएगी फोर इन टू थ्री एक्स तो आंसर हो जाएगा थ्री बाई फोर एक्स एंगस्टू क्लियर है बेटा कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आप कि आपको कुछ अगर कुछ इंफॉर्मेशन दी भी हो तो आपको एक स्पीसीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है दूसरे स्पीसीज का इंफॉर्मेशन आपने निकालना है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कितना आप वेवलेंथ निकालोगे तो देखो ये टॉपिक काफी बड़ा है बेटा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आप वेवलेंथ निकालोगे जनरल फार्मूला कैलकुलेशन का इस बार आपके पास मैंने बताया कि अगर आपको अपर और लोअर या सीरीज बता दी जाए देन आपको वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करना है

One को इनफिनिट से डिवाइड करते हैं तो जीरो और वन को जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफिनिट हो जाता है yes, yes, Then, beta, तीसरा केस आता है इसी में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिकॉज इट इज द वेरी इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक खास करके एप्लीकेशन ऑफ बोर थ्योरी में लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम नेक्स्ट आता है नम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कि आपको अगर बता दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा है और यहां से यहां जंप कर रहा है बताओ उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी तो इसके लिए देखो कुछ केस हैं केस फर्स्ट में ले रहा हूं इफ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एटम्स हाइड्रोजन भी क्यों लो आप बहुत सारे ऐटम्स आपके पास प्रेजेंट है और जनरली यही केस होता है बेटा आपका इफ सैंपल ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट तब आप ये फॉर्मुल लगा सकते हो एन इज इक्वल टू एन एन माइनस वन बाई टू बेटा इस एन का मतलब है नंबर ऑफ नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्टर लाइन एन का मतलब है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर एनर्जी लेवल तो आप बेटा सीधा बता सकते हो अब इसको याद कैसे करोगे मैथमेटिक्स के हिसाब से तो आपको लग रहा है एन एन माइनस वन बाई टू आप सीधा याद करो ना हायर एनर्जी लेवल सपोज है 4 में से एक वन एक जो है कम करके उसको मल्टीप्लाई करके टू से डिवाइड करो जैसे सपोज मैं कहता हूं हायर एनर्जी लेवल फिफ्थ है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आएगी बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे फाइव इंटू फोर बाई टू वेरी सिंपल कैलकुलेशन फाइव फोर या ट्वेंटी ट्वेंटी बाई टू कितना हो जाएगा टेन टेन सपोज मैं कह दूं कि सिक्स एनर्जी लेवल है सिक्स तो सिक्स इंटू फाइव बाई टू कितनी लाइन आ जाएंगी बेटा सो फिफ्टीन फिफ्टीन बहुत सिंपल है अपना 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 जो है योर uh, विजन है देखने का तो अगर आपको सिर्फ हायर एनर्जी लेवल दे रखा है तो ये फार्मूला यूज कर लो एन एन माइनस वन बाई टू अगर हायर और लोअर दोनों दे रखे तो ये यूज करो एन हायर माइनस एन लोअर डिफरेंस ले लो फिर एन हायर एन लोअर का डिफरेंस लेके एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाई जैसे मैंने अभी पिछले वाले केस में आपको बोला कि सिर्फ मैंने कहा कि सिक्स एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है मैं बोल रहा हूं सिक्स से जंप कर रहा है और थर्ड तक पहुंच रहा है तो अपर और लोअर दोनों लिमिट पता लग गई बेटा सिक्स से जंप करके थर्ड में पहुंच रहा है तो बताओ टोटल लाइन कितनी बनेगी तो डिफरेंस निकाल लो तो एन हायर और एन लोअर कितना डिफरेंस आया जैसे सिक्स से थर्ड में आओगे तो बेटा थ्री थ्री का और उसमें एक ज्यादा बढ़ा देना उससे मल्टीप्लाई कर देना टू बाई टू. टू फोर बाई टू. तो कितना आ जाएगा थ्री इंटू फोर बाई टूं तो सिक्स सिक, तो सिक, हाँ देखो आपका आपके दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगा अब क्या होता है कि स्पेशली आपको क्या करना है कि सपोज हायर एनर्जी लेवल इज गिवन इफ We know about higher energy level. suppose आपको पता है energy level में तो इसमें क्या है कि अब Lyman, बामर में कितनी series बनेंगी line, बामर में पाशन में Bracket में Fund में and हम फ्री में कितनी बनेगी बेटा जो आपका जो भी नंबर हो जहां से हायर एनर्जी लेवल है उससे एक कम कर देना एन माइनस वन तो लाइमन की बन जाएंगी एन माइनस टू तो बामर की बन जाएंगी एन माइनस थ्री तो पाशन की बन जाएंगी एन माइनस फोर तो ब्रो ब्रैकेट की बन जाएंगी एन माइनस फाइव एन माइनस सिक्स तो उससे कम करते जाना तो आपका ये सारी जो है स्पेक्ट्रल लाइन इस सीरीज में आपको पता लग जाएंगी कि लाइमन में कितनी बनेगी सपोज मैं कह दूं कि सिक्स एनर्जी लेवल से जंप कर रहा है तो बताओ लाइमन सीरीज में कितनी बनेगी तो सिक्स माइनस वन फाइव बन जाएंगी सिक्स माइनस वन बामर में कितनी बनेगी सिक्स माइनस टू पासन में कितनी बनेगी सिक्स माइनस थ्री ब्रैकेट में कितनी बनेगी वो आप निकाल लोगे ग्स माइनस फोर सपोज इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं सपोज ये प्रॉब्लम बेटा आपके पास वी हैव a sample of hydrogen atoms if electron can jump from fifth Excited state. Then, number one, total possible spectral line. Then, total possible spectral line and possible. पेक्टर लाइन इन ईच सीरीज दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं बेटा आप तो कैसे सोल्व करोगे वी हैव ए सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट देखो बेटा सॉल्यूशन आपको कह रहा है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तो एनर्जी लेवल कितने हो गए एन की वैल्यू कितनी होगी फिफ्थ प्लस वन भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेगा तो एन हायर तो टू हो गया ना ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होता है वन तो जितना अगर एक्साइटेड वर्ड दे रखा है उसने एक्साइट में वन ऐड कर देना फिफ्थ एक्साइटेड कह रहा है तो एन की वैल्यू सिक्स लेना तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी बेटा तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन तो क्या फार्मूला यूज करूं मैं मुझे हायर एनर्जी लेवल पता लग गया इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां एग्जिस्ट कर रहा है कौन से लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है बेटा मैक्सिमम बोलते जाओ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है तो फार्मूला तो मुझे याद है लेकिन मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब देखो ग्राउंड स्टेट फर्स्ट होगी तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो एक ज्यादा लेना पड़ेगा ना मुझे जहां भी एक्साइटेड वर्ड हो तो जितना दे रखा हो उससे एक ज्यादा ले लेना तो एन की लेवल सिक्स हो गया तो पॉसिबल स्पेक्टर लाइन बेटा क्या फार्मूला बताया था बोलो डू रिप्लाई बेटा एन एन माइनस वन बाई टू तो इसका मतलब कितना हो गया एन की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स एन माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी बेटा फाइव फाइव बाई टू कितनी होगी टोटल तो टोटल लाइन होगी फिफ्टीन तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया अब फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया सेकंड क्लियर करना है आपको सेकंड में पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन इन ईच सीरीज तो सीरीज में करोगे तो लाइमन सीरीज बामर लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड और हमफ्री लाइमन सीरीज कैसे बताया था मैंने बेटा क्या फॉर्मूला बताया था जो हायर है एन माइनस वन यस सब में बताया था एन माइनस टू एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर ऐसे बताया था देखो लाइमन सीरीज में कितनी लाइन आ जाएंगी स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन हायर एनर्जी लेवल कितना आया बेटा आपका सिक्स में से वन चला गया तो कितनी लाइन बन जाएंगी फाइव फाइव बामर सीरीज में कितनी लाइन बन जाएंगी एन माइनस टू फोर पाशन में कितनी बन जाएंगी एन माइनस थ्री 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 प्लस ब्रैकेट में कितनी बन जाएंगी एन माइनस फोर टू टू इसमें फंड में कितनी बन जाएंगी एन माइनस फाइव वन एन माइनस सिक्स कितनी बन जाएंगी हम फ्री में जीरो टोटल Zero. सम लगा के देख लो कितना हो गया फाइव प्लस फोर कितने हो गए बेटा नाइन नाइन और थ्री कितने हो गए ट्वेल्व ट्वेल्व और टू फोर्टीन टोटल फिफ्टीन देखो मैच कर गया ना टोटल फिफ्टीन हो गई तो हर एक सीरीज में लाइमन सीरीज एल मतलब लाइमन बी मतलब बामर पी मतलब पाशन बी आर मतलब ब्रैकेट पी मतलब पी फाइन, और फ्री में कोई लाइन नहीं होगी क्लियर बेटा बना लोगे टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन और ई सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन एंसर yes, एस आप देखो बेटा मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं मैं ऐसे लिख रहा हूं क्वेश्चन वी हैव ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इफ इलेक्ट्रॉन कैन जंप From fifth excited state to first excited state. Then Calculate the number one possible maximum spectral line, possible maximum spectral line, and number two, number of spectral line in. इमन सीरीज नंबर थ्री नंबर ऑफ स्पेक्ट्राइन इन बामर सीरीज ये बेटा मैंने आपको प्रॉब्लम दे दिया वी हैव ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम एटम इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो बेटा सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे आप अब की बार आपको दो लिमिट दे रखी है हायर एनर्जी लेवल कौन सा है देखो हायर हायर एनर्जी लेवल कह रहा है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन हायर कितना हो गया बेटा क्लियर दूसरा देखो कहां तक जाना है आपको लोअर एनर्जी लेवल कौन सा दे रखा है लोअर एनर्जी लेवल दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास टू टू बिल्कुल क्लियर जब हायर और लोअर दिए होते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फार्मूला होता है पहला पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का आपको मैंने फार्मूला बताया कैसे निकालोगे पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल okay. मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन हाउ कैन यू कैलकुलेट एन इज इकल टू एक फार्मूला बताया था बेटा मैंने एन हायर माइनस एन एन लोवर इन टू एन हायर माइनस एन लोअर प्लस वन बाई अपॉइंट टू तो एन इज इकल टू हायर और लोअर का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा थ्री इन टू हायर और लोवर के डिफरेंस में एक ज्यादा कर दो तो आ जाएगा फोर बाई टू कितना आ गया कितनी लाइन आ गई आपके पास सिक्स तो तो तो। क्लियर है बेटा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम no सर हायर और लोअर के डिफरेंस टू है ना कैसे टू है बेटा हायर सिक्स है सर एन हायर सिक्स लोअर टू है तो कितने का डिफरेंस आया फोर सर फोर आएगा फोर फोर इंटू फाइव तो टोटल कितना आ गया टेन तो टोटल पॉसिबल स्पेक्टर लाइन कितनी होगी बेटा आपके पास टेन इज इट क्लियर यस सर देखो आप अब आपको हर एक सीरीज में निकालना है तो आपको सीरीज में निकालना है तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, हमफ्री, तो लाइमन में कितनी आएंगी बेटा देखो निकालो रूल के हिसाब से निकालें तो कितनी आनी चाहिए भाई कहां से जंप कर रहा हायर एनर्जी लेवल कौन सा था आपका सिक्स माइनस वन होना चाहिए था ना ये तो लाइमन कितनी आनी चाहिए थे आपकी फाइव फाइव बामर कितनी आनी चाहिए थी फोर Four. और ये पाशन कितनी आनी चाहिए थी थ्री थ्री ब्रैकेट कितनी आनी चाहिए थी टू टू और फंड कितनी आनी चाहिए थी One. 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 और हमफ्री कितना आना चाहिए था बेटा जीरो जीरो लेकिन लाइमन में तो पहुंचा ही नहीं क्योंकि किस लेवल तक पहुंचा है सिर्फ वो प्रैक्टिकली कहां से कहां जंप किया इलेक्ट्रॉन ने देखो आप ने सिक्स से. से लेके कहा जंप किया था टू तक दो. और फर्स्ट तक तो आया ही नहीं तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल तो ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी बिकॉज नॉट पॉसिबल क्यों हुआ बेटा ये आनी चाहिए थी पांच लाइन लेकिन नहीं आई क्यों नहीं आई ये क्यों नहीं आई बेटा नॉट पॉसिबल क्यों बिकॉज इलेक्ट्रॉन डज नॉट अप्रोच टू कौन से लेवल तक ग्राउंड स्टेट जब तक ग्राउंड स्टेट मतलब एन इक्वल टू वन तक तो पहुंचा ही नहीं है सिर्फ कहां से कहां तक की पॉसिबिलिटी है आपके पास तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड तक है तो अगर आप प्रैक्टिकली भी बनाओ तो ऐसे बनाओगे ना सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस ये फर्स्ट ये सेकंड, ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स ये सेवंथ तो फर्स्ट तक तो पहुंचा ही नहीं है सेकंड तक है तो सेकंड तक देखो कहां से कहां तक जाना चाहते हो आप एन इज इकल टू वन एन इज इकल टू टू एन इज इकल टू थ्री एन इज इकल टू फोर एन इज इकल टू फाइव एन इज इकल टू को सिक्स तो लेकिन सिक्स कहां से कहां तक आना चाहते हो सिर्फ सेकंड तक तो सिक्स से सेकंड तक ये पॉसिबल लाइन होगी आपकी तो ये कौन सी सीरीज हुई बेटा जो एन इक्वल टू टू तक आ रही है कौन सी सीरीज हुई बामर बामर सीरीज बामर सीरीज में कितनी लाइन बनी देखो आप कितनी लाइन दिखाई दे रही है आपको फोर फोर क्वेश्चन में देखो थर्ड तक पहुंचना है तो यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां सिक्स तक ही तो आना है आपको सेवन तक तो जाना ही नहीं सिक्स से आना है तो देखो ये बामवर पाशन में आ गई थ्री और ब्रैकेट में देखो हुई और इसमें सिर्फ एक हुई अच्छा अब यहां बन सकती थी ये वाली लाइन लेकिन ये इधर से इधर वाली बन सकती थी आपकी लेकिन ये आई ही नहीं इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट अप्रोच टू ग्राउंड स्टेट तो इसका मतलब ये वाली फाइव कैंसिल हो गई तो अब कितनी रहेगी फोर थ्री टू वन सम लगाओ कितना हुआ टेन और ऊपर देखो हमने फार्मूले से निकाला ही है तो फार्मूला भी यूज करोगे और आईक्यू भी यूज करोगे माइंड भी यूज करोगे तो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन देखो कितनी आई बेटा आपकी इस केस में टेन टेन और टेन में से ऊपर वाले क्वेश्चंस के आंसर दो तो वी सैंपल इड्रोजन एटम्स इफ इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन कैलकुलेट पॉसिबल मैक्सिमम स्पेक्टर लाइन तो कितना आंसर आया बेटा टेन टेन इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सेकंड वाले का नंबर ऑफ स्पेक्टर लाइन इन लाइमन सीरीज क्यों जीरो आई है क्यों जीरो आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइमन तक गया ही नहीं है फर्स्ट ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है फर्स्ट तक जाएगा तभी तो वो एनर्जी एमिट होगा तभी तो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बामर सीरीज बताओ बेटा कितनी आई है सर फोर, 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 आप चेक कर सकते हो यू कैन चेक बेटा तो ये देखो ये फोर तो बामर तक जो आप आंसर दोगे देन आप जो फार्मूला दोगे वो दोगे फोर क्लियर बेटा दो टाइप के क्वेश्चन क्लियर यस सर आप देखो लास्ट टाइप की प्रॉब्लम इसमें क्या आ सकती है आपसे जितने एग्जामिनर प्रॉब्लम सोच सकता है वो सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इवन ऐसा एनसीआरटी वगैरह में कुछ नहीं दिया होता लेकिन ये सब हमें खुद सोचना होता है नोट सपोज अगर एक ही आइटम प्रेजेंट हो ओनली वन एटम इज प्रजेंट अगर आपके पास स्पेशली दे रखा हो एक ही एटम प्रेजेंट है देन पॉसिबल स्पेक्ट्राइन ये बहुत रेयर केस है बेटा जब तक वन ऐटम नहीं बोले आपने ऊपर वाले फॉर्मुले लगाने तो एन इज इक्वल टू जहां से आ रहा है माइनस वन कर देना एन एन माइनस वन जैसे सपोज मैंने आपको प्रॉब्लम ये दे दिया इफ ओनली वन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट कंडीशन दे दी मैंने देन इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट देन मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्राइन तो क्या सोल्यूशन दोगे बेटा कंडीशन देखो क्या दे रखा है वन हाइड्रोजन एटम तो फार्मूला लगाओगे एन इज इक्वल टू एन माइनस वन और फ्रॉम कौन से ऑर्बिट से आ रहा है थर्ड तो सिंस का वैल्यू थर्ड है तो एन इज इक्वल टू थ्री माइनस वन तो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बन जाएगी टू स्पेक्ट्रल लाइन कितना बन जाएगा टू कैसे कि सपोज एटम एक ही है एक ही हाइड्रोजन एटम है तो उसमें लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट फिर हायर एनर्जी लेवल टू थ्री फोर जितने भी हो आगे हमें कहां से जंप कराना है थर्ड ऑर्बिट से यहां से तो यहां थर्ड से इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ सकता है बेटा ये यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है और यहां से आ सकता है ज्यादा ज्यादा फर्स्ट तक ही तो आएगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन ये बन जाएगी एक स्पेक्ट्रल लाइन ये बन जाएगी खास बात ये है दो स्पेक्ट्रल लाइन बनी तो देखो एक एल इज इकल टू वन पर पहुंची तो ये लाइमन सीरीज की है और ऊपर वाली जो है सेकेंड पर पहुंची तो बॉमर सीरीज की है तो अगर आपके पास इफ कंडीशन इज गिवन ओनली वन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट जो एनसीआर वाला है ये तो माइंड गेम है, तो है कि भाई एक एटम है तो कितना प्रेजेंस होगा तो दो ही प्रोबेबिलिटी है कि आप थर्ड से सेकंड सेकंड से, 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 से फर्स्ट आ सकते हो दो ही लाइन मिलेगी एक बॉमर सीरीज की मिलेगी एक लाइमर सीरीज की तो टू टू कौन सी होंगी वन फ्रॉम बामर सीरीज एंड वन फ्रॉम लाइमन सीरीज एक बामर से मिलेगी एक लाइमन से मिलेगी और ये स्पेशल केस कब यूज करोगे बेटा जब आपका हाइड्रोजन एटम होगा तो दैट्स ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और इन मतलब इवन आई एम टीचिंग फ्रॉम यू फ्रॉम यू फ्रॉम लास्ट क्लास कि लास्ट क्लास से मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि मैंने बताया था कि सबसे पहले आप कोई इलेक्ट्रोन जंप करता है उसकी कैसे निकालते हैं तो लास्ट क्लास में मैंने फार्मूला बताया लोअर एनर्जी का हायर एनर्जी का स्केयर उसके बाद आज मैंने क्या सिखाया कि मान लो आपके पास कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन है वो कैलकुलेशन कर सकते हो तो डिफरेंट कैसेज है स्पेक्ट्रल लाइन में डिफरेंट कैसेज हैं कि अपर से सिर्फ अपर लिमिट दे रखी है तब क्या होगा सिर्फ अपर लोअर दोनों दे रखी है क्या होगा और आपको साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचेगा वहीं लाइन वहीं स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी और अगर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट हो तो कैसे स्पेक्ट्रल लाइन बना सकते हैं इस टाइप से लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम हम बोहर थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बट मैंने आपको बोला था कि लाइन स्पेक्ट्रा जब आप एक्सप्लेन करते हो तो लाइट की ड्वेल नेचर होती है और डेल नेचर में लाइट की पार्टिकल नेचर एक्स्यूम करोगे तभी आप लाइन स्पेक्ट्रा एक्ज्यूम कर सकते हो और साथ में एक आप एक इफेक्ट और दे सकते हो इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये भी किससे एक्सप्लेन होता है एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इसको भी हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से ही देखो फोटो photo मतलब फोटोन इलेक्ट्रिक electric मतलब इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट होता क्या है व्हेन व्हेन एनर्जी ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन एनर्जी ये बोल दो वैन रेडिएशन एनर्जी एनर्जी ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज स्ट्राइक ऑन Surface of metal, then there is ejection of electron from metal surface. It is known as photo. इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का फोटोन आता है और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं कैसे सपोज ये मेरे पास बेटा मेटल है ये सपोज कोई मेटल है और इस मेटल पर मैं कोई फोटोन डालता हूं लाइट का फोटोन आ रहा है लाइट का ये फोटोन लाइट आके इस पर स्ट्राइक करता है जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल के बाहर निकल जाएंगे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस फोटोन की मतलब सिंपली फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है इसलिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज्जेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे एंड करंट कैरी बाई फोटो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट भाई कोई भी फोटोन लाइट का आएगा तो लाइट का फोटोन जैसे ही मेटल की सरफेस पे गिरेगा अगर उसके पास सफिशियंट अमाउंट है एनर्जी का तो मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो फोटोन आके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा दैट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन और इससे जो करंट होगी उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इसमें पॉइंट ये होता है कि, कि किसी भी मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है उसको निक, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है तो ये मिनिमम मिनिमम सफिशियंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटेच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस किसकी इलेक्ट्रोन एनर्जी मिनिमम सफिशियंट एनर्जी किसकी रिक्वायर्ड मिनिमम सफिशियंट एनर्जी ऑफ फोटोन जो लाइट डाल रहे हो आप उस लाइट के पार्टिकल को फोटोन बोल रहे हैं तो मिनिमम सफिशियंट एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू डिटेच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी लगता है बेटा उसको बोलते हैं इज नोन एज वर्क फंक्शन एंड कोरस्पोंडिंग एंड कोरस्पोंडिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेस होल्ड फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखेंगे वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नोट लिखेंगे न्यू नोट लिखेंगे एंड अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो आपका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा एंड मैक्सिमम क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज नोन एज थ्रेसोल्ड वेवलैंथ लेमडा नोट से लिखेंगे बेटा कैसे सपोज ये मेटल है सपोज ये हमारे पास कोई मेटल है इस मेटल का ये इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन ये टाइटली बाउंडेड है इसके साथ इसको हटाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नोट तो फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नोट होता है सी बाय लैम्डा तो एच सी बाय लैम्डा नोट हो जाएगा ये तो एक मुझे जो फोटोन चाहिए होगा जो यहां की एनर्जी है फोटोन इस फोटोन की एनर्जी इसको निकालने के लिए एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए इतना एनर्जी तो चाहिए ही होगा इस एनर्जी से ज्यादा होगा इफ ई फोटोन ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी एनर्जी ज्यादा होगी एंड मूव और मूव भी करेगा मूव मतलब काइनेटिक एनर्जी लेगा अगर एनर्जी ई पी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा देन ओनली इलेक्ट्रॉन इज Ejected, और अगर ईपी ग्रेटर देन है बेटा तो देखो क्या करेगा वो अगर एनर्जी आने वाले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है उस एनर्जी से ज्यादा है आपके पास तो क्या होगा ईपी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी सपोज ये इलेक्ट्रॉन है यहां से फोटोन आ रहा है उसके पास एनर्जी है ई फोटोन एनर्जी देगा और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल भी देगा वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी और बाद में इसको मूव भी कराएगा मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी भी देगा तो आने वाली एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है सो जो ई एनर्जी है फोटोन की इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देगा उसके बराबर हो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मूव भी कराएगा अगर उस वर्क फंक्शन से कम एनर्जी हुई तो फिर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं ईपी इज इक्वल टू सिंस एनर्जी ऑफ फोटो इज इक्वल टू एच न्यू तो लिख सकते हो आप एच न्यू वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 एम वी स्क्वायर तो ईपी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एच न्यू इजिकल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी हाफ एमवी स्क्र है तो जिस फॉर्म में चाहो आप लिख सकते हो तो हाफ एमवी स्क्ल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट हाफ एमवी स्क्र एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नोट तो अगर आप सिंपल ये लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट तो एच न्यू नोट है तो काइनेटिक एनर्जी इधर ले लो न्यू माइनस न्यू नोट का डिफरेंस इधर ले लो और जैसे जैसे ये न्यू की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ये इक्वेशन जो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स है तो आप जितनी एनर्जी बढ़ाओगे सिंपल मैं पॉइंट पे आता हूं यहां पर एंड करूंगा मैं आज का टॉपिक जितना फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये तो फिक्स लगनी है किसी मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है मेटल के लिए तो जितना बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैं ई बढ़ाऊंगा तो किसी भी फोटोन की एनर्जी बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो नेट क्या है आपके पास ये फार्मूला लिख सकते हो हाफ एमवी स्क्ल टू एच न्यूजिकल टू सी बाई लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट तो हाफ एम बी स्क्वायर एच और सी भी कॉमन तो आप इस फार्मूले से जो लेमडा नोट कैलकुलेट कर सकते हो आप तो एक तो ये पॉइंट आ गया कि दिस फार्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट थ्रेस होल्ड वेवलेंथ अद लेमडा नोट कैलकुलेट कर सकते हो दूसरा पॉइंट इससे क्या चीज शो होती है कि जब भी एनर्जी आप इंक्रीज बढ़ाओगे नोट ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट होगा जो आप डालोगे मतलब ईपी एन ओन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन देयर इज ओन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ईपी जब आपने फॉर्मूला पढ़ा ईपी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू कांस्टेंट है मैं ईपी इंक्रीज कर रहा हूं ये तो जितना है उतना ही है तो उसको फायदा तो इसको मिलेगा ना काइनेटिक एनर्जी को तो मैं फोटोन की एनर्जी बढ़ाऊंगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ऑन इंक्रीजिंग याद रखना है अगर मैं आने वाले फोटोन की एनर्जी को इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर को कोई इफेक्ट नहीं होगा बट नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ

कि ये प्रूव करता है कि ये जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है अगर ये वेव नेचर होता तो दोनों चीजें बढ़ती इंटेंसिटी भी बढ़ती और फिजिक्स बताएगी आपको सिंस ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ फोटोन देर इज only increase in there is only increase in kinetic energy kinetic energy comes from motion of kinetic energy or motion of electron and no effect on No effect of, no effect on intensity. Intensity, intensity means number of photoelectrons. So, it is the particle nature of light. It is the particle nature of light. अगर इंटेंसिटी भी बढ़ती है बेटा तो फिर वेव नेचर आती वेव नेचर में क्या एनर्जी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी भी बढ़ती है इंटेंसिटी में फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं लेकिन यहां पर एनर्जी बढ़ाने पर आपने प्रूव किया सिर्फ जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है और कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन पर तो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से ये एक्सप्लेन हो रहा है क्लियर बेटा कोई डाउट अभी आधा पार्ट है अभी और करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात लेकिन बिकॉज टाइम इज ओवर देन वी वुड सी इन द नेक्स्ट क्लास लेकिन अभी आपने ध्यान रखना है कि अगर हम एप्रोप्रिएट एनर्जी वाली लाइट डालते हैं तो उस लाइट की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हटाने में और कुछ उसको चलाने में यूज होती है एनर्जी जितनी बढ़ाते जाएंगे हटाने वाली फिक्स एनर्जी है चलाने वाली एनर्जी एनर्जी मतलब काइनेटिक इंक्रीज होती चली जाएगी और जब कभी भी ऐसा होता है जब एनर्जी बढ़ाने पर सिर्फ कैनेटिक एनर्जी पर इफेक्ट आता है एंड और उसकी इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता इसका मतलब ये वेव नेचर ऑफ लाइट नहीं है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कैन बी एक्सप्लेन बाई द पार्टिकल नेचर ऑफ़ ने क्लियर कोई डाउट बेटा आपका जो टेस्ट मैंने uh, कल का दिया है तो कल का दिया तो बहुत थ्योरी तक दूंगा बेटा जो आज पढ़ा है वो नहीं मतलब स्पेक्ट्रम से पहले स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हल्का फुल्का स्पेक्ट्रम जो पिछला क्लास का स्पेक्ट्रम है वो तो आएगा ही लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले मान लो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छोड़ के बाकी आएगा ही तो क्योंकि वो तो पिछली क्लास में किया था आपने ठीक है तो एक बार फोटो इलेक्ट्रिक से ऊपर वाले एग्जाम्पल तक स्क्रोल कर दीजिए वो थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से देख नहीं पाए थे कहा से बेटा देख के बता रहा मुझे ओके okay, सर थोड़ा, थोड़ा सा ऊपर सर इससे थोड़ा सा ऊपर है बस ये सब बस यही वाला यही वाला सर सर इसमें यही चीज पूछनी थी कि इसमें जो अ स्पेक्ट्रल लाइन होंगी बाल्मर सीरीज में वो कितनी आएंगी फिर कौन से वाले केस में बेटा सर जो हमने थर्ड uh, पढ़ा था कि एक, कितनी एक, आएंगी ही आएंगी एक ही आएंगी ना एक ही आएंगी इसमें दो ही हैं टोटल लाइन तो हर एक सीरीज no, में sir. सर ये वाला नहीं सर हमने जिसमें थ्री वो पढ़े थे केसेस तो वो तो बालमर सीरीज है तो बेटा जो आपका जो भी है n 2 आ जाएगा बालमर सीरीज में फार्मूला लाइन में टू हाँ तो ये पढ़ा ना देखो ये मैंने बताया ना यस yes, सर yes, yes, ये देखो ऊपर चलता हूँ एक बार रुक जाओ आप आप देखोगे तो सारा कुछ ये देखो बामर कह रहे हो ना आप तो बामर yes, का फार्मूला देखो बेटा बामर का फार्मूला देखो कितना आया देखो बामर में क्या दिखाई दे रहा है एन माइनस टू एन लेकिन टू तक इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी लाइन फिर ओके सर थैंक यू सर गॉट इट सर थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देंगे आप मैं मुझे बस स्क्रीनशॉट लेना है इधर इधर बेटा कह रहे हो या नीचे या ऊपर सर थोड़ा ऊपर मतलब पिछले वाला ये हाँ आ, सर नोट हाँ। लिखवाया था आपने एक वेवलेंथ ऑफ तो अल्फा लाइन ऑफ बैलमल सीरीज के ऊपर देख लो ध्यान नहीं मैंने कहा करवाया ये मैं ऊपर चल रहा हूँ कहीं आप नीचे के लिए तो नहीं कह रहे हो हाँ, नहीं नहीं सर ऊपर ही ऊपर हाँ नोमरिकल किया था हमने ये भी नोमरिकल किया था जी सर और ऊपर ये भी क्वेश्चन किया था एक हमने है ना हाँ सर इसके ऊपर ही बस हाँ सर एक मिनट हाँ जी Okay, sir, thank you. Okay, but thank you. <clears throat>